motives inborn, physiological, organic, or we may also call them as primary motives, like hunger, thirst, ये सारे आपके basically जो है rest, sex, ये सब आपके primary motives, ठीक है? लेकिन आज की society में ये motives हमारे almost in civilized cultures they are more or less short. तो ये हमारे को इतना ज़्यादा बिहेवियर को समझने में उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट फुलफिल्ड है. तो इसीलिए ये हमारे बिहेवियर को अगर आपने स्टडी करना है या मोटिवेशन को आज की सोसाइटी में स्टडी करना है तो इनका रेलेवेंस इतना ज़्यादा नहीं है. तो इसीलिए कुछ हम और मोटिव्स पे आगे चले जाते हैं जो कि है प्राइमरी लेकिन फिजियोलॉजिकल नहीं. प्राइमरी है, इन्वॉल्व होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली ओरिएंटेड है. लाइक योर नीड फॉर क्यूरोसिटी, नीड फॉर मैनिपुलेशन. क्यूरोसिटी एस्थेटिक नीड्स, ये मैस्लो ने अपनी हायरार्की में बाद में एडिशन किए थे, ठीक है? सो दे आर नो डाउट नॉट प्लेस्ड इन दैट हायरार्की, कहीं उनको लेवल पे हायर ऑर्डर या लोअर ऑर्डर नीड्स में नहीं डाला है. नीड फॉर एक्टिविटी, नीड फॉर अफेक्शन, दीज आर ऑल प्राइमरी मोटिव्स विच आर नॉट फिजियोलॉजिकली रिलेटेड बट दे आर रेलेवेंट इन डिटर्मिनिंग योर बिहेवियर. Besides these primary motives, we also have a whole section of motives which are very important in understanding behavior these days, and those are primarily only relevant, right? And those we call them as secondary motives. Now these are not socially acquired motives, ये involved नहीं होते हैं. हालांकि कुछ theories हैं जो मानते हैं कि शायद tendency के लिए भी involved होती है. Like for example, need for power. Need for power तभी होगा जब आप बाहर सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे, वन विजिबली अदर करेंगे, तभी पावर असर्ट करने का आपका मुद्दा होता है. लेकिन एडलर जैसे थियरिस्ट की अगर आप माने तो वो कहते हैं कि ये इनबॉर्न टेंडेंसी है. आपको याद है एडलर की थ्योरी, व्हिच इज द फर्स्ट मोस्ट प्राइमरी पोस्टुलेट इन एडलर्स पर नीड फॉर एडलर फ्रॉम स्कूल में था साइकोलॉजी. हां, जो मानते हैं कि ये भी इन्वॉल्व ही है लेकिन जनरली ये सोशल मानी जाती है. इसी तरह आपका एफिलिएटिव नीड जो है वो प्राइमरी नीड है लेकिन वो भी एफिलिएशन इज आल्सो ऑलवेज इन रिलेशन टू समबडी एल्स, इंडिविजुअल नहीं होता. लेकिन आपके अगर आप इन नीड्स को समझते हैं तो मैकलेलन की जो थ्योरी है उसमें वो तीन चीज़ों की, तीन नीड्स की बात करते हैं, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड द थर्ड इज नीड फॉर अचीवमेंट. तीनों नीड्स की बात करते हैं और उनकी थ्योरी में लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो नीड फॉर अचीवमेंट पर, ठीक है? तो हम नीड फॉर अचीवमेंट को ज़्यादा डिटेल में करेंगे लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपने नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन भी टच अप ऑन करना है. व्हाट नीड टू डिक्टेट व्हाट इट इज और यू बी एबल टू रीड थ्रू दिस बुक कर लेंगे. ओके, अब अगर आप नीड फॉर अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, मैथ्स यस मैकलेलन का बहुत जो काम है प्राइमरी दैट वॉज बेस्ड ऑन ये इस तरह डिनोट करते हैं. यस सर, ये तीन नीड है, ठीक है? मैकलेलन ने बहुत टाइम पहले स्कूल चिल्ड्रन पे स्टडी किया था जिसमें उन्होंने बच्चों को तीन तरह के ट्रीटमेंट्स को एक्सपोज किया और उसमें एक ग्रुप था जिनको अचीवमेंट ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर दिया गया, एक ग्रुप था जिनको रिलैक्स एटमॉस्फेयर दिया गया और एक ग्रुप था जिनको न्यूट्रल. व्हाट इट इट वाज दैट व्हेन दे वर यू नो लाइक एंड द टास्क दैट वाज यूज्ड वाज समथिंग लाइक टीएटी थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट, पिक्चर्स दी और उसकी स्टोरीज लिखनी थी. और जो अचीवमेंट ओरिएंटेड ग्रुप था जिनमें इंकल्केट किया एटमॉस्फेयर में अचीवमेंट ओरिएंटेशन, उनको बोला गया कि ये एक इंटेलिजेंस का टास्क है और लेट्स सी हु डस इट, ठीक है? सो उनका यू इन्वॉल्वमेंट हो गया. दे ट्राई दीज चिल्ड्रन दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट, अचीवमेंट मोटिवेशन को ट्रिगर कर दिया. जो न्यूट्रल था उनको कुछ नहीं बताया गया, दे जस्ट गेव द टेस्ट.
वेयरएज जो कि आपके रिलैक्स ग्रुप था उनको बोला गया कि ये हम एक नया गेम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट डूइंग अ प्राइमरी वर्क ऑन सम काइंड ऑफ गेम लाइक थिंग, सो लेट्स जस्ट पार्टिसिपेट एंड फील फ्री टू व्हाट एवर यू वांट टू राइट ऑन दिस। सो ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो आपका नीड फॉर अचीवमेंट जो बच्चे जिनका ग्रुप था उनके रिस्पॉन्सेज काफ़ी डिफरेंट थे बाकी के दो। और इससे उन्होंने जब उस डेटा को एनालिसिस किया कि ड्रू इम्प्लीकेशंस नॉट ओनली और कंक्लूडेड नॉट ओनली इन रिगार्ड टू दोज चिल्ड्रन बट ही हैज़ ड्रॉन इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी एट लार्ज एंड ऑल्सो फॉर नेशंस नेशनल लेवल। अब मैक्लिन नेशनल लेवल पे ये बात करते हैं कि जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो एक ऐसा मोटिव है या ऐसी नीड है जो कि हम मिडिल अपने चाइल्डहुड में इन्वाइट करते हैं, ठीक है, यंगस्टर्स में इन्वॉल्व नहीं है, सोशली एक्वायर्ड है, और मिडिल आपके चाइल्डहुड में आपका जो एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स है वो डिटर्मिन करते हैं कि आप कितने अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि मिडिल आपकी जो चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस है वो सिर्फ पेरेंटिंग और स्कूलिंग नहीं है, ही टॉक्स अबाउट वैरायटी ऑफ थिंग्स राइट फ्रॉम योर फोकलोर्स राइट फ्रॉम द कॉमिक्स दैट यू रीड right from the curriculum that you are being taught, everything in and around the child, all that has an impact on the need for achievement of the child, ठीक है। And as a result he says that he's done cross-cultural studies and he says that the major difference between developed and developing countries is not because of the kind of industrialization or the kind of you know economic growth that these two countries differ in, but the major differences in terms of their national need for achievement, national level. So, अगर किसी country का आपने overall economy में growth दिखानी है या attain करनी है तो important है कि उनके curriculum और उनकी वो जो exposures हैं बच्चों के right from childhood वो change किए जाएँ, उससे आपके जो बच्चे हैं as they grow they will be more achievement oriented and hence the nation will flourish. That's his proposition. And this theory has a lot of implications for the new generation, not only in India. You see this, this is an old version of Buddhism. So they have talked about the recent, new generation as Gen X. अब तो आगे आ गया, ठीक है? So Gen X के लिए भी इन्होंने कहा है कि आज की डेट में ये एक बहुत सोच का मुद्दा है कि in mass population में need for achievement दो जा रहे हैं। ये जो हमारे जो मैंने इतना पहले भाषण दिया ना वो यही है कि तुम्हारा क्या हमारा भी और तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, एक चलता वाला है तो क्या हो जाए तो वॉट ना ये सब इंडिकेटर्स है यू डोंट हैव इट फायर टू एक्सेल और टू डू बेटर देन व्हाट यू कैन डू इट इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ योर कॉम्पिटेंस आप अपने लेवल से कितना अच्छा कर सकते हैं that is need for achievement. Okay? Now when you talk of need for achievement there are three characters a few characteristic traits which are very predominantly seen according to McLean the clear profile of the characteristics four traits or four characteristics. The first is that person high on need for achievement will be moderate at risk taking. Now, moderate risk taking, what does that mean? अभी इसको बाद में डिटेल में भी करेंगे कि नीड फॉर अचीवमेंट के साथ एक और नीड चलती है जो कि इसके ऑपोजिट है. सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू नीड्स विच वुड अल्टीमेटली डिटर्मिन योर नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट जिनका हाई होगा दे विल ऑल्सो हैव अ हायर नीड फॉर सक्सेस. उनको सक्सेस ज़्यादा चाहिए या हंगर हंगरी फॉर सक्सेस लेकिन उसके साथ ही है दैट देर इज अ हायर नीड टू अवॉइड फेलियर आल्सो. नाउ व्हेन दे से दैट दे आर मॉडरेट एट रिस्क टेकिंग व्हेन यू कंपेयर अ पर्सन हु इज मोर नीड फॉर अचीवमेंट ही वुड वाउच फॉर टास्क विच आर रिलेटिवली ईदर वेरी इजी और दे आर टू डिफरेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव
you compare people who are higher on need for achievement and who are lower on need for achievement on this name like task, you will find that जो low है वो या तो बिल्कुल fast, आप उनका आपका freedom दे दीजिए कि आप कहीं भी खड़े हो, जिसमें line होता है ना इनके पीछे खड़े होकर मार लो, पर अगर आप वो line हटा दें और freedom दे दें कि आप कहीं भी खड़े होके take as many toys as you can fill, you will find that people who will be low on need for achievement, they would choose either to stand very close and फटक फटक से डालेंगे फटा फट और सब ले जाएंगे, या फिर वो बहुत दूर खड़े हो, ठीक है, और वहाँ से मारने की कोशिश करें. लेकिन जो नीड फॉर अचीवमेंट पे हाई होगा वो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कहीं कैलकुलेट करके मिडिल में खड़े होते, वो बहुत पास नहीं खड़े होते क्योंकि दैट इज नॉट वर्थ देम, दे वांट सम किक आउट ऑफ द टास्क, है ना, ये तो हर कोई वो भी ले रहा है तो मैंने भी ले लिया तो उसमें क्या है. सो वो बहुत ईजी है इसीलिए वो टास्क उनको लियोर नहीं करता. और जब बहुत दूर चले जाके अगर वो मारेंगे मतलब वो तो फिर उनकी बहुत शिक्की हो जाती है ना कि हाँ मैं तो दूर से भी मार सकती हूँ, तो अगर मेरा बहुत दूर से भी लग गया तो वो मेरी काबिलियत से नहीं लगेगा, वो कोइंसिडेंस या लक से लगेगा. सो आई अगेन विल नॉट गेट इट, हाउ ब्यूटिफुली आई मैनिपुलेट आई कैलकुलेट एंड आई एम कंसिडरेबली फार बट नॉट टू फार दैट इट लीड्स टू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट आई विल नॉट. सो पर्सन हु इज हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट have a preference for moderate difficulty of tasks or moderate interest. ना वो बहुत easy task को vouch करते हैं ना ही बहुत difficult task को vouch करते हैं, because वहाँ पर fear of failure बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, ठीक, that's one. The second thing that we talk about is need for immediate feedback. Now, very closely related to the first characteristic is this characteristic that people who are high on need for achievement, they would prefer those tasks which give them immediate and clear cut tangible feedback. कि मैं कैसा करूँ? अगर वो task में feedback delayed है या vague है तो वो task उनको लियोर नहीं करता. ठीक है, so आपको एकदम जो मैं अभी आपको बोल रही थी दैट पीपल हु आर हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट दे वुड गो इन फॉर यू नो टास्क लाइक R&D में जाएंगे या सेल्स में जाएंगे जहाँ पे साथ के साथ टारगेट आपको पता चलता है कितना अचीव किया. लेकिन जो मॉडरेट या लो ऑन नीड फॉर अचीवमेंट होते हैं दे आर ओके विद टास्क लाइक आर्ट्स टीचिंग, इट्स अ वेरी वेग फीडबैक. मेरी फीडबैक कैसे होगी, हाउ वेल आई टीच और नॉट, कैसे पता चलेगा? जब स्कोर आएगा लास्ट में बच्चों मेरे क्लास के रिजल्ट से पहली चीज यस ठीक है, पर वो साल बाद या 6 महीने बाद पता चलेगा yes. तुम पास हुए कि फेल हुए, और उसमें भी बहुत वेग है जो महानुभव कभी नहीं आए या आकर के यहाँ बैठे थे पर सुना नहीं, क्या उनका रिजल्ट भी मेरी परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन होगा? होना तो नहीं चाहिए. ठीक है, but then so it is a very vague thing, but then still what I was saying was that we still have that much of conviction when we come back because we don't have that high in need for achievement. Jinka high hoga wo corporate or SSC jobs hoga, theek hai, so otherwise we jo delayed ya vague gratification wale tasks unko ignore nahi karte. Second characteristic, the third characteristic is satisfaction with accomplishment. Now, people who are high on need for achievement, they have intrinsic motivation. So they find accomplishing a task which is intrinsically satisfying, intrinsically motivating or gratifying, and accompanying with material rewards is okay. Now, for example, if you give a person who is very high on need for achievement a choice between a task, suppose work life, agar aap dekhe, a task which is, not very demanding but very highly paid, vis-a-vis a task which may not be very paid but very difficult and challenging, challenging to do, kya prefer karega? Ek bada pay package bahut acha lekin zyada kuch ki kaam karne ko hai, zyada kuch nahi hai, aur dusra hai ki zyada pay package nahi hai lekin kaam jo hai wo challenging. Second one. Second prefer करें.
person who's high on need for achievement will go for a task which is challenging, may not be paid. But yes, in work life you will find that जो मैं अभी आपको बोल रही थी, लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं और ऐसे ऐसे जॉब्स को प्रेफर करते हैं, वहाँ पर जो बड़ा पे पैकेज है वो सिर्फ मनी के लिए उनको लियोर नहीं करता, वो बड़ा पे पैकेज उनको अपनी काबिलियत की रीअश्योरेंस के लिए लियोर करता है. सो अगेन इट इज अ फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस दैट पैकेज रादर दैन द मनी दैट इट गेट्स. इतना मेरा पैकेज है वो मुझे ठीक देता है कि मैं इस लायक हूँ, ना कि मेरे पास इतने पैसे. ठीक है, सो दैट्स अनदर थिंग दैट उनको इंट्रेंसिक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. जो उनको लगेगा कि उनको किक देता है वही टास्क उनको लियोर करता है चीपर मोटिवेशन पे जो हाई. चौथी चीज, दे हैव अ प्री ऑक्यूपेशन विद द टास्क. नाउ वंस एन हाई अचीवर सिलेक्ट्स अ गोल दे टेंड टू बी टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद द टास्क टिल इट इज नॉट अकम्प्लिश. दे वुड नेवर लीव अ टास्क इन बिटवीन, बीच में नहीं छोड़ते, जब तक खत्म नहीं होता है उसको पूरा वो करते हैं, परसिस्टेंस से करते हैं. और मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू लिंगर ऑन विद द टास्क विद परसिस्टेंस. ठीक है, दैट्स अ वेरी टिपिकल ट्रेट ऑफ हाई अचीवर्स. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे वुड नॉट, यू वुड नॉट फाइंड हाई अचीवर्स टू बी ब्रैगिंग अबाउट अबाउट देयर अकम्पलिशमेंट्स. कभी वो खुद नहीं करते, अपने ब्रैगिंग नहीं करते, दे जस्ट कीप ऑन अचीविंग अचीविंग एंड अचीविंग. वेयर एज एंड इन केस ऑफ वर्क लाइफ इफ यू नोटिस दीज काइंड ऑफ पीपल जो शिद्दत से लगे रहते हैं और एक के बाद एक चीज़ अचीव करते चले जाते हैं, ये बहुत अच्छे सेल्स पर्सन को बन जाते हैं. आई डोंट यू सेल्स इज अ किकिंग जॉब ना, इमीडिएट फीडबैक आ रहा है और चैलेंजिंग भी. वो सेल्स पर्सन तो अच्छे बन जाते हैं पर वो सेल्स मैनेजर्स प्रॉब्लम. मैनेजीरियल कैडर पे जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे चले जाते हैं, अगर आप हाई नीड फॉर अचीवमेंट पर हैं तो फिर सिर्फ आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आपकी टीम पीछे छूट जाएगी जो कि वर्क लाइफ में नहीं चलता. अगर आप हम ये जैसे ओपी में भी करते हैं, टाइप ए जो होते हैं पर्सनैलिटी टाइप और टाइप बी, पता है टाइप ए जनरली अलाइन विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट, ऑलवेज इन अ रश टू अचीव मोर इन लेस टाइम, ऑलवेज ऑन द रन, है ना. लेकिन अगर आप रिसर्च की माने तो नीचे के लोअर मैनेजमेंट में टाइम ए होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप वो इतना अच्छा परफॉर्म करते करते हायर मैनेजमेंट पे पहुंच जाते हैं ग्रोथ पे, वहाँ अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको शिफ्ट मारना पड़ेगा ए से बी, क्योंकि मुश्किल है आपकी पर्सनैलिटी टाइप से अलग जाना है, लेकिन वो करना पड़ता है, अदरवाइज पीपल अराउंड यू वुड नॉट बी हैप्पी. And it will be not be a surprise that they just, you know, cut your roots. नीचे से काट देंगे तो पता भी नहीं चलेगा. So in high need for achievement also, you have to, you know, be you may not be very liked by people around you. ये इसका एक flip side. कि आप स्टूडेंटहुड में भी देख लीजिए, जो बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड है, you tend to make people jealous. You tend to bring out negative emotions of people around you. It's very difficult. So that is why the other motive comes in, need for affiliation. No? You may have to also invest in need for affiliation to be, you know, in a good IPR, in the personal relationship, in spite of being higher needs. So these are the four major characteristics. Now I'll give you a little bit more on the technical aspect of this technique. ये थोड़ा सा देखिएगा प्लीज. नाउ मैक्लेलन सेज दैट और ही पोस्टुलेटेड दैट दोज हु हैव हाई नीड फॉर अचीवमेंट व्हिच हैव सॉरी दोज हु आर हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट टेंड टू अप्रोच टास्क where there is reasonable probability of success, where there is reasonable probability of success, and to avoid those tasks which are
either too easy or too difficult. Ya bhi kiya na aapne first grade. So the opportunity for success associated with a task can affect the tendency to approach it. Now these relationships have been worked upon. These relationships have been worked into a theoretical formulation and this theory postulates that achievement-oriented activity is undertaken by an individual with the expectation that his or her performance will be evaluated in terms of some standard of excellence. Further, some standards of excellence. Further, it is presumed that any situation which presents a challenge to achieve that the action will lead to success. By arousing an expectation that the action will lead to success, bracket close again, also must pose the threat to failure, bracket, by arousing an expectation that the action may lead to failure. Thus, achievement-oriented activity is influenced by the result of a conflict between two opposing tendencies. The achievement-oriented activity is influenced by the result of a conflict between two opposing tendencies, that is, the tendency to achieve success and the tendency to avoid failure. Need to avoid failure. Need for achievement ka counter hai, need to avoid failure. Achievement-oriented activities are also influenced by extrinsic motivational tendencies. Also influenced by other extrinsic motivational tendencies. The tendency to approach or continue a task depends on both the difficulty of the task and
the individual's motivation. Yes, ma'am. Now this is, you know, if you see in Tiffin and McCormick, you will find some bit of research that has gone into this area depending on McKeon's work. One is, there is a conflict in research. Generally, McKeon has proposed that if you want your organization to, flourish or to grow, then what should be the option? That you hire people who are high on infertility. Basic tendency may be high.
आए हो उनको आप हायर करिए और फिर उनसे कुछ भी काम कराइए, ठीक है। वेयर एज देर आर क्रिटिक्स हु गो द अदर वे अराउंड, रिसर्चर्स हु से दैट यू हायर नॉर्मल पीपल बट पुट देम इन चैलेंजिंग टास्क एंड दैट वुड मेक देम ग्रो एंड एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकली वेरी वायबल टू ऑलवेज हायर पीपल हु आर वैल्यूड। यस, सारे कैसे इकट्ठे करके आप ले आओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास वैरायटी ऑफ पीपल आएंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पुट देम इन चैलेंजिंग टास्क एंड इनकल्केट नीड फॉर अचीवमेंट रादर दैन कॉस्टिंग फॉर पीपल मोर, ठीक है। दिस हैज लॉट ऑफ इंप्लिकेशंस आई फील फॉर इवन आपको बंद हो गया पर जो ये स्कूल्स की किंडरगार्टन में इंटरव्यू लेते हैं मुझे वो आज तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ।